अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जिस मीठे की रेसिपी ले आई हूँ, बहुत ही जल्दी 2-3 स्टेप में रेडी हो जाने वाला मीठा है। पाइनएप्पल डिलाइट बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़े का मीठा है, तो आइए मैं इसे तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 4 कप मैंने दूध लिया है, और अगर आप मेजर करेंगे तो 1 kg है ये दूध। इसे मैं फ्लेम पे रख दूंगी। अब मैं एक छोटे बाउल में मैं 8 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर लूंगी और इसे 1/2 कप दूध के साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लूंगी, इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। टोटल मैंने 8 खाने के चम्मच मैंने दूध लिया है, 1/2 कप 8 खाने के चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे 1/2 कप दूध से मैंने अच्छी तरह से घोल लिया। ये दूध मैंने जो 1/2 कप लिया है ये अलग से इस्तेमाल किया है, और जो मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए रखा है वो 1 kg है। यहाँ मैंने दूध चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, और जब दूध में हमारा थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 8 खाने के चम्मचे चीनी मैंने डाली। बाद में मुझे थोड़ी सी कम लगी तो 2 चम्मच और डाल दिए। टोटल मैंने इसमें 10 खाने के चम्मचे चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जब दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, ये देखें, तो इसमें जो मैंने कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा हुआ था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से चलाती रहूँगी ताकि इसमें कोई लम्स कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कस्टर्ड यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने 1 teaspoon इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया था इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है कस्टर्ड का अगर आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल जेली ली है क्योंकि हम पाइनएप्पल डिलाइट बनाने जा रहे हैं, तो पाइनएप्पल जेली का ही इस्तेमाल करेंगे। पाइनएप्पल जेली मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है अच्छी तरह से। जब ये डिसॉल्व हो जाएगी तो एक इसको बाउल में मैं डाल लूँगी जमने के लिए, और इसे फ्रिज में रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला टिन लिया था पाइनएप्पल का, और ये हाफ टिन था, तकरीबन 200 ग्राम के करीब इसमें पाइनएप्पल हैं। ये अगर आप इसे वेट करेंगे तो 200 ग्राम है। इसकी मैंने प्यूरी रेडी कर ली, देखें बिल्कुल इसका पेस्ट बन चुका है इस तरह से। इसे बारीक पीस लूँगी और इसे एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर मैं लूँगी फ्रेश क्रीम, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं और आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। अच्छा, 200 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी ली है और इसे मैंने इसे हल्का सा विस्क कर लिया है। इसमें सॉफ्ट पिक होनी चाहिए, ये देखें इस तरह से ये रनी होना चाहिए, हमें स्टफ पिक नहीं चाहिए। और ये जो पाइनएप्पल मैंने इसकी जो प्यूरी रेडी की थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसके साथ ही पाइनएप्पल का कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर भी ऐड कर दूंगी, और कलर आप थोड़ा सा हाथ रोके डालिएगा अपनी, मतलब चेक करते रहिएगा इसको कि जब एग्जैक्ट आपको लगे कि हाँ ये कलर बिल्कुल ठीक है। एकदम से बहुत सारा कलर ऐड नहीं कीजिएगा, जब आपको लगे कि हाँ ये पाइनएप्पल का एग्जैक्ट कलर है तो बस हाथ रोक दीजिएगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे पाइनएप्पल क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब इसे भी मैं एक तरफ रख दूंगी, और यहाँ पे मैंने लिए हैं विटेबल बिस्किट लिए, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। और इसे मैंने एक पॉलिथीन बैग में डाल के इस तरह से मैं इसे बिल्कुल क्रश कर लूँगी, बारीक बिल्कुल से चूरा बना लूँगी। ये देखिए बिल्कुल इसका बारीक चूरा हो चुका है। अब इसे एक बाउल में मैं निकाल लूँगी, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच बड़े 2 खाने के चम्मचे मैंने बटर लिया है, ये अनसॉल्टेड बटर है, ठीक है, अनसॉल्टेड बटर है। इसको इसे मैंने गर्म कर लिया है और इसे इस बिस्किट के चूरे में मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे असेंबली, ठीक है। और ये जो मैंने कस्टर्ड रेडी किया था, ये कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे। इसे मैं हल्का सा विस्क कर लूँगी जिसमें जो गुठलियाँ सी बन रही हैं ये ख़त्म हो जाए, और जो जेली मैंने रेडी की थी इसके भी मैं क्यूब काट लूँगी। चीज़ें सारी मैंने रेडी कर ली हैं, अब हम करेंगे इसे असेंबल। और सबसे पहले मैं बेस में लगाऊंगी, ये जो मैंने बिस्किट का चूरा रेडी किया है बटर के साथ, इसे मैं बेस में लगा के इसे अच्छी तरह से प्रेस करूँगी ताकि इसकी एक बेस तैयार हो जाए, ये देखें इस तरह से। और इसकी बेस के ऊपर भी मैंने ये जो कस्टर्ड पाउडर वनीला कस्टर्ड मैंने रेडी किया था वो कस्टर्ड मैंने इस पर डाला है, और इसे स्मूथ करने के बाद बराबर करने के बाद फिर इसके ऊपर जो मैंने पाइनएप्पल क्रीम रेडी की थी पाइनएप्पल क्रीम की एक लेयर लगा दिए। इसके ऊपर जो पाइनएप्पल जेली मैंने रेडी की थी उसके क्यूब काट के वो मैंने किनारे चारों तरफ लगा दिए हैं, और ताकि किनारे डिश किनारों से बहुत खूबसूरत बाहर से अच्छी नज़र आए। और इसके ऊपर दोबारा मैंने वनीला कस्टर्ड की एक लेयर लगाई है, और उसके ऊपर
पाइनएप्पल क्रीम की एक लेयर लगाइए। सबसे ऊपर पाइनएप्पल क्रीम की लेयर है, इसे मैं स्मूथ कर लूँगी बिल्कुल। और जो फ्लावर नोज़ल होता है उससे मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम मैंने डाल के मैंने इसमें कुछ फ्लावर्स बना दिए थे, और फाइनल टच मैंने पाइनएप्पल से दिया है ताकि पता चले कि ये पाइनएप्पल डिलाइट है। फ्रिज में ठंडा करके आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग मीठा रेडी है।